तो गाइज यार कल से ही मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स और बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई यार अमित भाई को सांप ने बाइट कर लिया है, वो अभी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। तो गाइज यार मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी टीम अभी अभी उनके घर वालों से मिल के आ रहे हैं, साथ साथ मेरी अमित भाई से फोन पे भी बात हो गई है, तो अब ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अमित भाई अभी खतरे से बाहर है। जी हाँ गाइज, मेरी उनके घर वालों से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कल वो कोई साफ सफाई का काम कर रहे थे और वहां पे सांप था और उनकी नजर उन पे नहीं गई और एकदम से ही साफ सफाई करते टाइम ही उनको अमित भाई को सांप ने हाथ पे डंक मार लिया। लेकिन गाइज यार ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है कि इतने जहरीले सांप के काटने के बाद भी अमित भाई अभी बिल्कुल सही सलामत है। बस यार गाइज और क्या चाहिए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि अभी सारी चीज़ें सही है। मैं आपको अमित भाई से भी मिला था लेकिन यार अमित भाई को भी थोड़ा सा रेस्ट करने दो, अभी अभी तो वो थोड़ा रिकवर हुए हैं तो अभी उन्हें रेस्ट करने दो यार, जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको उनसे मिला दूंगा। आपकी भी वैसे तो वो खुद ही आ जाएंगे यार, खुद ही वीडियो अपलोड कर देंगे जो भी उनके साथ हुआ उस सब चीज़ों के बारे में। बस मैं एक ही चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार प्लीज़ कोई भी इस चीज़ को लेकर कोई भी फेक वीडियो मत बनाना यार, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ यार कोई भी फेक न्यूज़ या फेक खबर इंटरनेट पे मत फैलाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी उनसे बात हो गई है, अभी वो खतरे से बाहर है और जल्द ठीक हो जाएंगे और जल्द लौटेंगे। बस यार कोई फेक वीडियो मत बनाना प्लीज़ यार।